स्टूडेंट्स, मैं ही पीयूष और आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो 6 अप्रैल का जो पेपर है, जो कल आपका एग्जाम है, उसमें आप एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, ये जो है इसको मैं आपको लिख के पूरा भी बताऊंगा, आप ऐसे लिखेंगे। और अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से 2-4 एप्लीकेशन है जो कि आपको तैयार कर लेने हैं। मैं सारी चीजें आपको आज के इसी वीडियो में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि इसमें वीडियो फिर अलग में दूसरा चीज, ऐसा नहीं है। इसी वीडियो में मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा कि आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, कौन से एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और ये जो एप्लीकेशन है काफी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देख सकते हैं इंग्लिश का एप्लीकेशन है, आइए देखते हैं। जो एप्लीकेशन कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर ए वीक टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आपको अपनी बहन की शादी अटेंड करना है, मतलब अपनी बहन की शादी में जाना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन, ऐसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, टू, फिर यहां पर लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, फिर यहां पर जो लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है, यहां पर हम एक्स वाई जेड कर देते हैं, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर उसके बाद नीचे आपको लिख देना है अपना जिला, या फिर आप इसी के बगल में लिख सकते हैं, जैसे प्रतापगढ़ लगता है हमारा जिला, तो लिख देते हैं हम प्रतापगढ़। और आप सही बताइए, क्या आप सभी का भी जिला कौन कौन प्रतापगढ़ से है, आप सभी कमेंट कीजिए कि मैं प्रतापगढ़ से हूं। देखिए अब देखते हैं यहां पर कि सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है। सब्जेक्ट यहां पर ऐसे आप लिखेंगे, थोड़ा आप ब्लैक पेन से लिखिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको वो लिखना है कि जिस विषय पर आप करना चाह रहे हैं, आपको अपनी बहन की शादी अटेंड करनी है जो कि जिसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो लिखेंगे लीव फॉर ए वीक टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। यहां पर लिखेंगे लीव फॉर ए वीक, लीव फॉर ए वीक टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। अब एक चीज आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पूरी वीडियो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं वो समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जो चीजें आपको बता रहा हूं पूरा आप देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या ये कहना क्या चाहता है। देखिए अब आपको यहां पर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, यहां से अब स्टार्ट हुआ, ये आपको सभी में लिखना है, यहां से लिखना है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, या फिर यहां पर लिख सकते हैं रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, फिर एक यहां पर कॉमा लगाएंगे। और एक चीज मेरी आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, इन सभी का इंग्लिश में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है एग्जामिनर आपका देखता है। लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट, आई बिग टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज, आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, ऑफ माई सिस्टर। आप इसको एकदम से पहले याद कर लीजिए, दो बार अगर आप इसको लिख लेते हैं उसके बाद पढ़ लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर लिखेंगे इट विल टेक प्लेस ऑन द, कब है शादी ये लिखना है, लिखेंगे इट विल टेक प्लेस ऑन द, इट विल टेक प्लेस ऑन द 13th ऑफ, या फिर लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए एग्जाम कब है 6 अप्रैल, लिख सकते हैं 6th ऑफ, इट विल 6th ऑफ दिस मंथ, या फिर 6th ऑफ ये लिखिए दिस मंथ ही लिखिए, दिस मंथ। फिर फुल स्टॉप लिखाएंगे,
लिख सकते हैं, आप अपनी एक परेशानी लिख दीजिए कि आपको ही क्यों जाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो लिखेंगे बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनका एकलौता बच्चा हूं। तो लिखेंगे बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, बीइंग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, बींग द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, आई हैव टू हेल्प माई फादर, आई हैव टू हेल्प माई फादर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं वैसे ही आप अगर लिखते हैं पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। फादर इन मेकिंग द अरेंजमेंट्स, और अभी मैं आपको बताऊंगा और कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कौन से एप्लीकेशन है। इन मेकिंग द अरेंजमेंट। और स्टूडेंट्स आप ये ध्यान दीजिए कि इन सभी का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पर दे देता हूं आपको, तो बिल्कुल ही फ्री में, बिना किसी रुपए के, आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाता, मैं बिल्कुल फ्री में आपको देता हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक दिया हुआ है, मोबाइल पर स्कूल है तो आप जाकर वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, वहां पर आपको मिल जाएगा। फिर आप एक पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे, मतलब ये वाला छोड़ दीजिए पैराग्राफ, यहां से लिखेंगे डियर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, जब से आपको छुट्टी लेनी है लिखेंगे डियर फोर, डियर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, जब से आपको छुट्टी लेनी हो जब तक, जैसे हम 9th February से 15th February तक लिख रहे हैं तो लिखेंगे 9th, डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, 9th February टू 15th February 2022 या फिर 23 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर लिखेंगे आई वुड बी हाईली ओब्लाइज टू यू, एक चीज मेरी आप अगर ध्यान रखेंगे, जो ये लिखना है आई वुड टू हाईली ओब्लाइज टू यू, इसको अगर आप ब्लैक पेन से लिख देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा देखने में। यहां पर हम लिख देते हैं आई वुड बी हाईली, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। फिर यहां पर अब आपको लिखना है थैंकिंग यू, यहां पर आप लिखेंगे इस साइड में थैंकिंग यू। ये पूरा एक तरीका होता है कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, इस साइड पे लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। फिर यहां पर लिखेंगे योर्स ऑबिडियंटली, इस साइड में दाहिने तरफ आप लिख दीजिएगा, इससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप दाएं चाहे बाएं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर लिखेंगे योर्स ऑबिडियंटली, योर्स ऑबिडियंटली, आप यहां पर अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में साफ मना रहता है ना आपको नाम लिखना है ना कुछ, तो आप ऐसे एक्स वाई जेड, और यहां पर देखिए एक बार मैं आपको बताता हूं, टू द प्रिंसिपल, फिर एक्स वाई जेड अपने जिले का नाम, जैसे प्रतापगढ़ है और आप अगर प्रतापगढ़ से तो बताइए आप कहां से हैं, प्रतापगढ़ में किस जगह से हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव अटेंड टू मैरिज ऑफ माय सिस्टर, इट विल टेक प्लेस ऑन 6th February ऑफ दिस मंथ, बींग द ओनली सन ऑफ माई फादर, आई हैव टू हेल्प माई फादर इन मेकिंग अरेंजमेंट्स, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 9th February टू 15th February 2022। फिर लिखेंगे आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, उसके बाद थैंकिंग यू योर्स अवेंटली एक्स वाई जेड।
अब मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो को लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा एप्लीकेशन जो कि आप तैयार करके जाएंगे, तो वो सारे एप्लीकेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूं, चलिए दूसरे पेज में बताता हूं। देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वह है कि फी कंसेशन पे, फी कंसेशन पे। तो यहां पर हम लिखते हैं फी कंसेशन, ये ऐसे आ जाएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कंसेशन इन फीस। ऐसे आएगा मतलब आपको फीस कंसेशन करवाना है, फीस छुड़वाना है, आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता के छुड़वा सकते हैं। उसके बाद बैन यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का बैन करना है इसका यूज जब तक आपके बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं। तो लिखेंगे हम यहां पर बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो ये इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, ये ध्यान दीजिए। यहां पर राइट एन एप्लीकेशन या फिर राइट एन लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड फैकल्टी ऑफ इवनिंग गेम्स, ये लिखना है दोस्तों आप, या फिर ऐसे लिखेंगे कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। कुल मिला के इवनिंग गेम्स के ऊपर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये सारी चीज तैयार करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोस के बताऊंगा, तो वो सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ऐसे करके मैं सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बिल्कुल ही खत्म करवा दूंगा, एक भी चीज आपकी बचेगी नहीं दोस्तों। पूरा आप इंग्लिश में 70 में 70 फोड़ कराएंगे, मेरा वादा है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और इसका पीडीएफ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा हूं।